आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी, और जैसे आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन और लंबा चलेगा जब तक सरकार ये कानून वापसी नहीं लेगी और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। बगैर प्रोग्राम के यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे जो नेचुरलिटी होगी वो पूर्ण रूप से यहाँ के किसानों से मिलेंगे, यहाँ के जो कर्मचारी हैं इनसे मिलेंगे कि क्या व्यवस्था है और पहले से अब क्या बदल रहा है। जब तक देश की सरकार कृषि को बनाए 3 नए कानून वापस नहीं लेती और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना देती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये आंदोलन अभी और लंबा चलेगा, ये कहना है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का। जी हाँ, पानीपत में होने वाली किसान महापंचायत से आज किसान नेता किसी कार्यक्रम के गन्नौर की अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और आंदोलन के बाद क्या मंडियों में कोई बदलाव हुआ या किसानों का दमन हो रहा है, इसको लेकर जायजा लिया। क्या कुछ कहा इस दौरान राकेश टिकैत ने, सुनिए। आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी और जैसे आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन और लंबा चलेगा, जब तक सरकार ये कानून वापसी नहीं लेगी और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। इन कानूनों से बेरोजगारी बहुत आएगी। एमएसपी पे गारंटी कानून, उससे पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। गारंटी कानून को ये बिजली अमेंडमेंट बिल है और बहुत से इशू आ रहे हैं। सीड बिल भी आ जाएगा तो वो भी बर्बाद करेगा पूरा। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे जाएगी। जैसे ही बड़ी कंपनियां आएगी फूड क्षेत्र में तो बेरोजगारी बढ़ेगी और जो छोटा व्यापारी है वो नुकसान खत्म होगा। दुकानदार पर पूरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि और भी कानून नहीं आ रहे इस तरह के। गन्नौर तो यहाँ पे आए के भीड़ में मंडियाँ नहीं देखी जाती, तो बगैर प्रोग्राम के यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे जो नेचुरलिटी होगी वो पूर्ण रूप से यहाँ के किसानों से मिलेंगे, यहाँ के जो कर्मचारी हैं इनसे मिलेंगे कि क्या व्यवस्था है और पहले से अब क्या बदल रहा है, उस चीज़ों की पूरी जानकारी हम लेंगे। पानीपत में बड़ी पंचायत है, वहाँ पर हम जाएंगे, अभी आधा घंटा यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ के लोग उससे मिलेंगे। और जो पहले आमदनी थी, जो पहले माल आता था उसमें कितनी कटौती हुई, क्या दूसरे स्टेट से भी आ रहा है, उसका क्या सिस्टम यहाँ पे है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इन कानूनों से बेरोजगारी आएगी, इसीलिए सरकार को इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी दे, जिसका किसानों को बहुत लाभ होगा। टिकैत ने दावा किया कि मोदी सरकार जल्दी ही सीड बिल लाने जा रही है, जो किसानों को बर्बाद करने का काम करेगा। इसके लागू होने के बाद किसान अपनी उपज से खुद बीज नहीं रख पाएगा, बड़ी बड़ी कंपनी के हाथ में व्यवस्था चली जाएगी, जिससे छोटे व्यापारी किसान खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। बता दें कि वो इसके बाद पानीपत में होने वाली किसान पंचायत में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।